एक समय हुआ करता था जब बच्चे मोबाइल फोन से नहीं बल्कि रेसलिंग से ज्यादा प्यार किया करते थे। हमारा मतलब रेसलिंग खेलने से नहीं बल्कि रेसलिंग का वर्ल्ड फेमस शो WWE देखने से था। आज के समय में जहां लोगों के बीच भारत में क्रिकेट का शुमार रहता है, तब उस वक्त क्रिकेट लवर्स से ज्यादा आपको रेसलिंग लवर्स देखने को मिल जाते। खाना पानी छोड़कर बस अपने प्लेयर को सपोर्ट करने में जो मजा था, वो घर बैठकर फोन चलाने में कहां। पहले के समय में टीवी कुछ ही लोगों के यहां हुआ करती थी, इसलिए बच्चे ग्रुप बनाकर एक दूसरे के घर में साथ बैठकर खूब मजे करते और WWE देखते। वक्त बदल गया और यादें रह गई, पर आज भी कुछ ऐसे रेसलर्स हैं जिनके हम दीवाने हुआ करते थे। तो चलिए आज आपकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और आपको WWE के 10 सबसे खतरनाक और लोकप्रिय रेसलर्स के बारे में बताते हैं। नंबर 10, द ग्रेट खली। सबसे पहले हम उस इंसान की बात करेंगे जो बच्चों से लेकर बड़ों तक के फेवरेट है। चाहे ये आज WWE में रेसलिंग ना करते हो, लेकिन फिर भी ये अपने वीडियो से लोगों को खूब एंटरटेन करते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट खली की। जिस समय WWE में कोई भी इंडियन नहीं था, उस समय खली ने WWE में एंट्री करके और बड़े बड़े दिग्गज पहलवानों को हार की धूल चटाकर लोगों के दिलों में जगह बना ली। 27 अगस्त 1972 में हिमाचल प्रदेश के धिराइना में जन्मे दलीप सिंह राणा ने WWE में 7 अक्टूबर 2000 में अपना डेब्यू किया। अपनी पहचान बनाने के लंबे सफर के बाद खली को लोगों ने तब जाना जब उन्होंने 2006 में अंडरटेकर को चैलेंज कर पीटा। उसके बाद खली ने 2007 और 8 में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का खिताब जीता। इस दौरान उन्होंने शॉन माइकल से लेकर कई बड़े पहलवानों को हराया। अपनी लंबी हाइट के लिए जाने जाने वाले खली हॉलीवुड एक्टर भी रहे हैं। उन्होंने साल 2005 में हॉलीवुड फिल्म द लॉन्गेस्ट यार्ड, गेट स्मार्ट और मैकग्रूबर जैसी फिल्मों में काम किया। इसके साथ ही खली ने बॉलीवुड फिल्म कुश्ती और रामा द सेवियर में भी अपना हाथ आजमाया हुआ है। आपको बता दे कि फिलहाल खली रेसलिंग की ट्रेनिंग देते हैं और हाल ही में उन्होंने BJP भी ज्वाइन की है। नंबर 9, पॉल व्हाइट। कहते हैं कि कई बार इंसान का नाम उसके काम से होता है, और अब हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, इनके असली नाम को तो शायद ही बहुत कम लोग जानते हो, लेकिन इनके रेसलिंग से जुड़े नाम को कौन नहीं जानता। हम बात कर रहे हैं पॉल व्हाइट की, जो कि बिग शो के नाम से रेसलिंग की दुनिया में लोगों के दिलों पर राज करते हैं। 8 फरवरी 1972 को जन्मे बिग शो एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर और पार्ट टाइम एक्टर है। रेसलिंग में बिग शो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और उन्होंने 2 बार WCW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती है। इसके अलावा उन्होंने 2 बार WWE चैंपियनशिप और ECW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप 1 बार जीती है, जिससे वो सभी 3 चैंपियनशिप जीतने वाले इतिहास के पहले रेसलर बन गए। इन कॉम्पिटिशन्स के अलावा उन्होंने 1 बार अमेरिकन चैंपियनशिप, 5 बार वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप, 2 बार WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप और 3 बार हार्डकोर चैंपियनशिप जीती है। नंबर 8, केन। कभी भी अपना चेहरा ना दिखाने वाले केन लोगों के बीच में काफी पसंद किए जाते थे। ताकतवर होने के साथ साथ केन के चेहरे का मास्क उन्हें लोगों के बीच काफी पॉपुलर कर देता था, और इसलिए ये बच्चों को भी काफी पसंद आते थे। 26 अप्रैल 1967 को जन्मे ग्लेन जेकब्स या केन अमेरिकन रेसलर है, जो फिलहाल WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, जहां वो अपने रिंग नेम केन से बेहतर जाने जाते हैं। केन 3 बार वर्ल्ड चैंपियन, 2 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और 12 बार टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं। वो 2010 के मनी इन द बैंक कॉम्पिटिशन के विनर भी है। उन्होंने अपने करियर में बड़े बड़े रेसलर्स जैसे अंडरटेकर, बटीस्टा, जॉन सीना तक को मात दी है। केन रिंग में ब्लैक और रेड कलर की ड्रेस में फाइट करते नजर आते थे और चेहरे पर मुखौटा लगाना उनकी पहचान थी। नंबर 7, ब्रॉक लेसनर। 12 जुलाई 1977 को जन्मे ब्रॉक एडवर्ड लेसनर, जो कि पूरी दुनिया में अपनी लिमिटलेस ताकत के लिए जाने जाते हैं। जब भी कोई नया चेहरा WWE में अच्छा करता है, तो सारे WWE के चाहने वाले यही चाहते हैं कि उस रेसलर का मुकाबला ब्रॉक से हो, चाहे वो रोमन रेंज हो या ब्रॉन स्ट्रोमैन। ये भले ही रिंग में बाकी रेसलर्स के बाद उतरे, लेकिन रिंग में आते ही इन्होंने एक के बाद एक कमाल दिखाना शुरू कर दिया था। ब्रॉक को मिक्स मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल है। XUFC हेवीवेट चैंपियन रह चुके ब्रॉक को शर्डॉग से हेवीवेट रैंकिंग में 2nd रैंक मिली थी। 3 बार WWE चैंपियनशिप जीतने वाले ब्रॉक ने 25 साल की उम्र में अपना पहला खिताब जीता था। इसके साथ ही वो WWE चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के रेसलर बन गए थे। 2002 में ब्रॉक किंग ऑफ द रिंग और 2003 के रॉयल रॉम्बल विनर रहे। ब्रॉक अपने फिनिशिंग मूव F5 के लिए जाने जाते रहे हैं। इस मूव नंबर 6, रोमन रेंज।
रोमन रेंस WWE इतिहास के सबसे शानदार सुपरस्टार्स में से एक है। अपने अनोखे अंदाज और कमाल की फाइट से रोमन रेंस ने अपने फैंस को कभी भी निराश नहीं किया। 25 मई 1985 को फ्लोरिडा में जन्मे रोमन अनोवा फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिस फैमिली से पहले भी कई रेसलर्स रह चुके हैं, जिनमें से उनके पिता सिका अनोवा और भाई रोजी भी पेशे से रेसलर रह चुके हैं। फेमस रेसलर रॉक भी इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। रोमन रेंस ने FCW से बतौर रेसलर अपने करियर की शुरुआत की थी। रोमन रेंस को NXT और मेन रोस्टर में शील्ड के मेंबर के तौर पर काफी वाहवाही मिली। शील्ड के दिनों में रोमन रेंस को सभी जगह से तारीफ मिलती थी। लोग उनमें फ्यूचर के WWE फेस को देखने लगे थे। रोमन 3 बार WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और अभी WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है और इनकी एनुअल अर्निंग्स $3.5 मिलियन है। नंबर 5, ट्रिपल एच। WWE के सुपरस्टार अमेरिकन रेसलर ट्रिपल एच का असली नाम पॉल माइकल लेविस्क्यू है। पर क्या आप जानते हैं कि इन्हें ट्रिपल एच क्यों बुलाया जाता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल 1995 में WWE की दुनिया में आने के बाद उन्हें नया नाम हंटर हार्ट्स हेल्मसले मिला। इसी नाम के शुरुआती 3 इंग्लिश लेटर्स की वजह से इन्हें ट्रिपल एच कहा जाता है। 27 जुलाई 1969 को जन्मे ट्रिपल एच एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर और अभिनेता है। साथ ही ये बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी है। इसके अलावा वो WWE के लाइव इवेंट्स और क्रिएटिविटी के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टैलेंट भी है। WWE में शामिल होने से पहले पॉल ने 1993 में WCW के साथ अपना रेसलिंग करियर शुरू किया। पहले टेरा रेजिंग के रिंग नाम के साथ और बाद में जीन पॉल लेविस्के के नाम से रेसलिंग की। पॉल 1995 में पर्दे पर अमीर आर्टिफिशियल हंटर हार्ट्स हेम्सले के व्यक्तित्व के साथ WWF में शामिल हुए। नंबर 4, द रॉक। अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं इन्हें कौन नहीं जानता। हॉलीवुड स्टार और WWE के रेसलर रह चुके द रॉक या ड्वेन जॉनसन दुनिया भर में अपनी पहचान कायम कर चुके हैं और इस समय हॉलीवुड के सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले कलाकारों में से एक है। 2 मई 1972 को जन्मे ड्वेन डगलस जॉनसन रेसलिंग में तब से है जब WWE WWF के नाम से जाना जाता था। रिंग में रॉक को पहले रॉकी मेविया के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम द रॉक रख लिया। रॉक ने अपने रेसलिंग करियर में कुल 16 कॉम्पिटिशन्स, 9 वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, 2 WWF इवेंट्स और 5 WWF टैग टीम कॉम्पिटिशन्स जीती है। द रॉक ने रेसलिंग के अखाड़े में ऐसे जलवे दिखाए कि वो जनता के चहीते हो गए और जब उन्होंने हॉलीवुड में कदम रखा तो उनकी एक्टिंग और एक्शन ने लोगों को इम्प्रेस कर दिया। द रॉक को 2018 के टॉप 100 हाईएस्ट अर्निंग करने वाले हस्तियों में भी जगह दी गई थी, जिसमें उन्हें 5th रैंक मिली थी। नंबर 3, जॉन सीना। कहने को तो WWE में बहुत से बेहतरीन रेसलर्स हैं, लेकिन जॉन सीना को भारत में कुछ ज्यादा ही पसंद किया जाता था। अपने डैशिंग लुक्स और कमाल के एटीट्यूड और फाइट की वजह से जॉन सीना ने लोगों के दिलों पर राज कर रखा है। 23 अप्रैल 1977 को जन्मे जॉन सीना का पूरा नाम जॉन फेलिक्स एंथनी सीना है। इनकी पॉपुलैरिटी 90 के दशक के बाद रिंग में आए किसी भी रेसलर से ज्यादा रही है। सीना ने अपना प्रोफेशनल रेसलिंग करियर 2000 में UPW के लिए रेसलिंग करते हुए शुरू किया, जहां उन्होंने UPW हेवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम किया। जॉन एक रेसलर होने के अलावा एक अमेरिकन एक्टर और हिप हॉप सिंगर भी है। जॉन वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के रॉ ब्रांड की तरफ से खेलते हैं और ये 16 बार वर्ल्ड चैंपियन, 3 बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और 12 बार WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। इन कॉम्पिटिशन्स के अलावा सीना ने WWE अमेरिकन चैंपियनशिप भी 3 बार और वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप 2 बार जीती है। नंबर 2, द अंडरटेकर। रेसलिंग के दीवानों को अंडरटेकर कौन है बताना तो सही नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जो रेसलिंग की दुनिया में सबसे पहले आता है। कई रेसलर्स तो इनके चेहरे और लुक्स को देखकर ही डर जाते थे। इनकी एंट्री का भी एक अलग ही अंदाज था। भला रेसलिंग का कौन सा ऐसा दीवाना होगा जिसे वो अंधेरा और वो घंटे की आवाज याद नहीं होगी, जिसके बाद अंडरटेकर ऐसे ताबूत से निकलता था जैसे कोई मुर्दा फिर से जिंदा हो गया हो। इनका फिनिशिंग मूव था टूमस्टोन पाइल ड्राइवर, जिसके बाद सामने वाला रिंग में चित हो जाता था। 24 मार्च 1965 को जन्मे अंडरटेकर का असली नाम मार्क विलियम कैलोवे है। ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर है। कैलोवे ने साल 1984 में वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग के साथ अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत की। आपको बता दे कि इन्हें डेड मैन के नाम से भी जाना जाता है। द अंडरटेकर ने रेसलमेनिया में एक भी मैच ना हारते हुए 20-0 का एक रिकॉर्ड बनाया है और 4 बार WWE चैंपियनशिप और 3 बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के लिए WWE ने उन्हें 7 बार वर्ल्ड चैंपियन की मान्यता दी।
वो एक बार WWF हार्डकोर चैंपियन भी रह चुके हैं और 6 बार WWF टैग टीम चैंपियनशिप और 1 बार WCW टैग टीम चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। नंबर 1, बिल गोल्डबर्ग। अब हम जिसके बारे में बात करेंगे, ये इतने डरावने और कभी ना हारने वाले रेसलर है कि इनके सामने अच्छे अच्छे की हवा टाइट हो जाए। Who's next कहकर अपने ओपोनेंट को ललकारने वाले गोल्डबर्ग एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर है। गोल्डबर्ग का पूरा नाम विलियम स्कॉट बिल गोल्डबर्ग है। 27 दिसंबर 1966 को जन्मे गोल्डबर्ग अपने समय में लोगों के पसंदीदा रेसलर रहे थे। चीते जैसी फुर्ती के साथ अपने ओपोनेंट पर झपटते हुए पहले स्पेयर और फिर जैक हैमर जैसे फिनिशिंग मूव के बाद बड़े से बड़ा रेसलर दोबारा उठकर गोल्डबर्ग का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। WCW में खेलते हुए गोल्डबर्ग ने एक के बाद एक रेसलर को धूल चटाई। गोल्डबर्ग ने रिंग में लगातार 173 बार जीत दर्ज की। इसके अलावा वो WWE में 2 बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का खिताब भी जीते। उनके पास स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के इतिहास में अब तक बिना हारे सबसे लंबी पारी खेलने का स्पेशल रिकॉर्ड है। वो पहले इंसान है जिन्हें बिग गोल्ड बेल्ट के WCW और WWE दोनों ही ऑनर मिले हैं। उम्मीद है आप गोल्डबर्ग का नाम अभी तक भूले नहीं होंगे। तो ये थे रेसलिंग की दुनिया के कुछ ग्रेट और मोस्ट पॉपुलर रेसलर्स जो एक समय पर लोगों के दिलों पर राज करते थे, पर आज भी शायद ही कोई रेसलिंग लवर हो जो इनके बारे में ना जानता हो। तो अगर आपको भी रेसलिंग पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट रेसलर का नाम जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके।